के ब्लॉक शाहबाद में एसएफसी राशन गोदाम पर राशन उठान कराने पर पल्लेदारी के नाम पर 10 रुपए कुंटल कोटेदारों से वसूला जा रहा है। उठान करते समय आदर्श कोटेदार उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन हरदोई के जिला अध्यक्ष अनिल कुमार अवस्थी पहुंचे तो कोटेदारों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया, जिसके फलस्वरूप गोदाम प्रभारी से बात की गई, पर गोदाम प्रभारी ने समस्या को हल न कर पाने की बात कही, जिसके बाद जिला अध्यक्ष अनिल कुमार अवस्थी ने जिला पूर्ति अधिकारी को अवगत कराया, जिसके बाद सभी कोटेदारों ने उठान बंद कर दिया। इससे पहले भी सभी कोटेदारों ने प्रार्थना पत्र देकर जिले के अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी कोई सुनवाई न होने पर आज सभी कोटेदारों ने उठान बंद करके गोदाम प्रभारी नागेश्वर पाठक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। वहीं कोटेदारों ने राशन घटतौली का भी आरोप लगाया। वहीं मौके पर टीवी वन इंडिया न्यूज की टीम पहुंची तो देखा कि गोदाम प्रभारी वहां से भाग निकले। जब कोटेदारों से बात हुई तो ये भी पता चला कि गोदाम प्रभारी नागेश्वर पाठक का बेटा भी गोदाम चलाता है, जो पूरी तरह से गलत है और ये उसको अधिकार नहीं है कि वो राशन की गोदाम पर अवैध वसूली कर सके। वहीं मौके पर जिला अध्यक्ष अनिल अवस्थी सहित काफी संख्या में कोटेदार मौजूद रहे, जिसमें मुख्य रूप से जिला महासचिव अवनीश कुमार त्रिवेदी, ब्लॉक अध्यक्ष बरखरी उदय प्रताप सिंह आदि लोग मौजूद रहे। ये जो चालान का होता है जो भी दें उससे हमसे क्या मतलब है? अरे चालान का 700 रुपए कहाँ लिया जाता है? हमने लिए तो बोलिए, 700 रुपए कहाँ लिया जाता है? चालान का हमने लिए तो बोलिए, हमने चालान का सिर्फ 30 रुपए खर्चा है, बता रहे 30 रुपए 50 रुपए। सुनिए हमसे बात। क्या नाम है आपका? मैं अनिल कुमार अवस्थी, आदर्श कोटेदार एसोसिएशन से जिला अध्यक्ष हूँ। क्या है समस्या है? यहाँ कोटेदारों के साथ जो है बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। शासनादेश ये है सरकार का, खाली कच्ची का वजन भी दिया जाए जो नहीं दिया जा रहा है। पल्लेदारी के नाम पर 10 रुपये वसूल किए जा रहे हैं, 500 रुपये अलग से खर्चा लिया जा रहा है और उनके जो साथ में बैठते हैं हाँ वो 100-100 रुपया लेते हैं, 200 रुपया लिया जा रहा है अलग से, 700 रुपया कोटेदार से लिया जा रहा है। आपने इसकी नागेश्वर पाठक यहाँ गोदाम प्रभारी हैं। आपने इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की है? इसकी शिकायत मैंने शासन से प्रशासन तक की है। 4 जून को जो है मीटिंग भी बुलाई गई, डीएसओ ने मीटिंग बुलाई, उसमें कहा भी कि 5 रुपये से ज़्यादा पल्लेदारी नहीं ली जाएगी और अन्य खर्चे भी नहीं दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं, इसलिए हम यहाँ आज बैठे हैं और कोटेदारों को राशन दिलाने के लिए पूरा राशन दिया जाए। सरकार की मंशा है कि राशन पूरा पूरा वितरण किया जाए पास मशीन से, तो जब हमको पूरा मिलेगा नहीं तो कहाँ से वितरण कर पाएंगे? एक बोरी लगभग कितना उसका वजन होता है? बोरी का वजन जो होता है इस समय 47-48 निकल रहा है, अब वो 52 लगा के दे रहे हैं ये लोग। गोदाम प्रभारी जी, गोदाम प्रभारी द्वारा जो 52 और 51 का दिया जा रहा है गोदाम छोड़ के बाद, और जो हम लोग अपना रोक के तो गोदाम प्रभारी यहाँ से चले गए और उठान भी बंद कर दिए। क्या नाम है गोदाम प्रभारी का? नाम नागेश्वर पाठक। नागेश्वर पाठक कहाँ के ये प्रभारी हैं? ये शाहबाद गोदाम के प्रभारी हैं और मेरे द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी को भी अवगत करा दिया गया है, तो उनके द्वारा बताया गया उठान बंद कर दो, मैं भी बात कर रहा हूँ। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए दीपू अवस्थी की रिपोर्ट, शाहबाद हरदोई।